पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 6 फरवरी से महाहड़ताल का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव ने हड़ताल पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर जाने के जिद पर अड़े हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के कार्यकर्ताओं ने PWD कार्यालय से एक मशाल जुलूस निकाला और महानगर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग की तथा 6 फरवरी से होने वाले हड़ताल की सफलता के लिए कर्मचारियों से अपील भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक मुद्दा के लिए सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली यानी बढ़ोतरी का निवारा जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है और इसीलिए हम जंग पर जा रहे हैं। कल से हमारी हड़ताल होगी। आज विभिन्न मोटरसाइकिल जुलूसों के माध्यम से विभिन्न कार्यालय जाकर कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पर हड़ताल होगी, तालाबंदी होगा, चाहे सरकार हमको पिटवा दे, हमको जेल ले जाए, हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। अब वो अपना काम करे, मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री जी, मैं अपना काम करूंगा। हमको दही पिटवा दे, मैं तैयार हूँ पिटने के लिए। इसीलिए मैं आप सबको जागरण कर रहा हूँ भैया, ये हमारा राइट है लोकतंत्र में अपने अधिकार मानने का। हड़ताल 6 से 12 तक कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद 12 से कोई अनिश्चितकालीन निर्णय आगरा के लिए लिया जाएगा।